हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक फाइनेंस सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा। आज भाई इस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है आरबीआई की तरफ से। लैंडिंग का जो भाई सीमा था उसे बढ़ा दिया गया है, 1.25 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। तो जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है फ्रेंड, सभी को फायदा होने वाला है। तो आप लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पासा लगाइए और आज मैं आपको एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूँ और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था वो 220.81 था, सितंबर 17 में 220.81 था और मार्च 19 में देख लो भाई 399.07 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, हाफ ईयरली 220 से 399 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली सितंबर 17 में टोटल इनकम था वो 220.83 था सितंबर 17 में, और मार्च 19 में देख लो 399.92 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 159.72 था, सितंबर 17 में 159.72 था और मार्च 19 में देख लो भाई 299.23 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हाफ ईयरली 159 से 299 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली, सितंबर 17 में जो एबिटा था वो 159.73 था सितंबर 17 में और मार्च 19 में देख लो 300.08 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर में इसका शानदार है हाफ ईयरली, सितंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 47.25 था, सितंबर 17 में 47.25 था और मार्च 19 में देख लो भाई 110.56 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली, सितंबर 17 में जो पैट था वो 47.25 था सितंबर 17 में और मार्च 19 में देख लो 110.56 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप लोग ने खुद देखा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ रिजल्ट देख रहे थे भाई। तो देखो नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 106.31 था, मार्च 15 में 106.31 था और मार्च 19 में देख लो भाई 709.97 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज 106 से 709 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज, मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 106.40 था मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो 710.97 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज 106 से 710 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम ही रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज, मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 84.97 था, मार्च 15 में
84.97 था और मार्च 19 में देख लो भाई 521.78 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज 84 से 521 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 85.06 था, मार्च 15 में 85.06 था और मार्च 19 में देख लो 522.78 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज 85 से 522 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी खरीदोगे तो आपका पैसा बहुत ही तेजी से बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर में इसका शानदार ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 19.08 था, मार्च 15 में 19.08 था और मार्च 19 में देख लो 175.91 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ईयर टू ईयर वाइज 19 से 175 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। रिपोर्टेड पार्ट देख लो भाई, रिपोर्टेड पार्ट भी इसका शानदार ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो पार्ट था वो 19.08 था मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो 175.91 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 5.80 था मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो 22.52 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज 5 से 22 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाले समय में ये कंपनी आपको 56% रिटर्न बना के दे सकता है। आवास फाइनेंशियल का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यही जो कंपनी है भाई वो 100% रिटेल फाइनेंस के बिजनेस में, मतलब ये कंपनी कोई कॉर्पोरेट लोन नहीं देती है, बिल्डर को लोन नहीं देती है, छोटा छोटा भाई लोन बांटती है। FIIs की इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग है और आज RBI की तरफ से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। लेंडिंग का जो भाई सीमा था उसे बढ़ा दिया गया है, 1.25 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। तो भैया इससे जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है सभी को बहुत ही अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो आप लोग आवास फाइनेंस में पैसा लगाइए, ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है भाई। मैं पहले भी इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ और मैं आगे भी बताता रहूँगा इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का भाई एसेट क्वालिटी बहुत ही मजबूत है, NPA भी कंट्रोल में है। पिछले 1.5 से 2 साल से भाई जितनी भी फाइनेंस सेक्टर कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, सभी में अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन भैया आवास फाइनेंशियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि ये कंपनी भाई कोई बड़ा लोन देती ही नहीं है। और भैया डिफॉल्ट कौन करते हैं, पैसा लेके भागते कौन है, बड़े बड़े लोग। हम लोग अगर लेके भागेंगे ना पैसा तो हमारे गले दबा देंगी ये सब कंपनी। बिजनेस मॉडल भाई मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो आप इस कंपनी में पैसा लगाइए। FIIs इस कंपनी को बहुत ही पसंद कर रहे हैं। आवास फाइनेंशियल का मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो भैया मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में गया तो यहाँ पे देख सकते हो होम लोन, आप लोग इस कंपनी से घर खरीदने के लोन ले सकते हो, लैंड परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, तो भैया जमीन खरीदने के लिए और उस पर घर बनाने के लोन ले सकते हो, होम इम्प्रूवमेंट लोन, बैलेंस ट्रांसफर, होम इक्विटी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, रेट कन्वर्सेशन पॉलिसी। आवास फाइनेंशियल लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा और 1 ईयर का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो सितंबर 2018 में आया था, 821 रुपये के प्राइस पे आया था भाई। तो देखो ये कंपनी ईयर टू डेट में कितना रिटर्न बना के दिया है, तो देखो ईयर टू डेट रिटर्न है वो 93.95% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 4.78% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 93% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में रिटर्न है 9.24% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 2.95% है
वीक में देख लो भाई, 1 वीक में 4.06% आने, सेंसो कट आने -3.03% आने। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में 2.64% आने, सेंसो कट आने -0.79% आने। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में आवास फाइनेंशियल लिमिटेड को जगह दो, ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है भाई, छप्पर फार रिटर्न बना के देगा आने वाले 2-3 सालों में ही। आवास फाइनेंसर का मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा भाई, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 58.29% होल्डिंग है, एफआईएस के पास जो होल्डिंग है आवास फाइनेंसर में 16.57% होल्डिंग है। इस कंपनी में भाई एफआईएस लगातार पैसा लगा रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है आवास फाइनेंसर में 8.11% होल्डिंग है, अदर डीए पर जो होल्डिंग है 7.66% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है आवास फाइनेंसर 9.37% होल्डिंग है। कोई भी शेयर आवास फाइनेंसर का प्लेस नहीं है भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 8.15% होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आवास फाइनेंसर का। पी रेशियो आवास फाइनेंसर का 72.43 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू आवास फाइनेंसर का 6.94 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। ROC जो लेटेस्ट है भाई आवास फाइनेंसर का 11.99% का ROC लेटेस्ट है। ROE देख लो 9.58% का। वैल्यूएशन देख सकते हो भाई वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 130 से 196 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाना चाहते हो तो 1450-1560 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म में खरीद के रख सकते हो। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एवरेज बता रहा है भाई आवास फाइनेंस का भाई। सेल्स ग्रोथ देख लो 43.90% का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। एबिट ग्रोथ देख लो 56.71% का। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एबिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। आवास फाइनेंशियल लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 1693.15, 52 वीक लो है 611.50। आवास फाइनेंशियल का भाई मार्केट कैप देख लो 12921.23 का मार्केट कैप है। आने वाले समय में इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ का भी होगा, 20,000 करोड़ का भी होगा, 50,000 करोड़ का भी होगा, और भैया 1,00,000 करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा के रखिए। मुझे लगता है इसका मार्केट कैप भाई बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि भाई फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी आगे भी इसी टाइप से रिजल्ट पेश करेंगी। और देखो भाई ये अभी छोटी कंपनी है तो थोड़ा वोलेटाइल भी होंगी, तो आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है, आप लोग को खरीद के रखना ही चाहिए। आप अगर छोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका बड़ा पैसा बन सकता है, अभी तो भाई ये बच्चा है। आवास फाइनेंसर का पी जो है भाई वो 67.69 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 21.99 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले आवास फाइनेंसर का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है आवास फाइनेंसर का वो 235.01 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो भाई बहुत ही बढ़िया इसका अर्निंग पर शेयर है, 24.45 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 10 का है। तो भैया आप लोग आवास फाइनेंसर को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक साबित हो सकता है। फाइनेंशियल भाई बहुत ही बढ़िया है, आप अगर छोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका बड़ा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।